हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन प्लाज्मोडियम की रोगजनकता के बारे में बात करेंगे। तो द बेसिक एपिडेमियोलॉजी ऑफ मलेरिया इज द फीलिंग ऑफ फीवरिस कंडीशन फर्स्ट सेवरल डेज आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के संक्रमण के पश्चात कुछ समय तक या जो शुरुआती दिन होते हैं फर्स्ट सेवरल डेज तक आपको क्या है, बुखार का अनुभव होता है। तो ये जो इपिडेमियोलॉजी थी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ जितने भी पेंडेमिक डिसीजेज हैं और इपिडेमिक डिसीजेज हैं उनके अध्ययन करती है। जितने भी महामारी जो रोग होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो इपिडेमियोलॉजी ऑफ मलेरिया जो मलेरिया का अध्ययन करते हैं वो ये कहते हैं कि काफ़ी समय तक आपको जो कंडीशन रहती है मलेरिया की या जो व्यक्ति प्लाज्मोडियम से संक्रमित हो रखा है उसको द फीलिंग ऑफ फेवरीज कंडीशन फर्स्ट सेवरल डेज आफ्टर द इन्फेक्शन, काफ़ी समय तक उसको बुखार की का अनुभव रहता है या होता है। द इंटरवल बिटवीन द टाइम ऑफ इन्फेक्शन और द पैरासाइट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया। तो ये इनक्यूबेशन पीरियड की अपन ने बात कर ली, मलेरिया के लक्षण दिखाई देना और प्लाज्मोडियम यानी कि परजीवी से संक्रमित होना, उसके बीच का जो मध्य का जो पीरियड है समय वो इंक्यूबेशन पीरियड या प्री पेटेंट पीरियड कहलाता है। विच जो कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का नॉर्मली जितने भी है वो 10 से 40 दिनों तक हो सकता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा किसी का एवरेज। जैसे कहीं पर इसको एवरेज 14 दिन का आ गया है तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स तो 13 से 17 डेज का आ गया है, ठीक है ना। और 9 से 12 दिन प्लाज्मोडियम फैंसीपियम द प्री पेटेंट पीरियड फॉलोज आफ्टर द इनक्यूबेशन पीरियड विच इज इंटरवल्स बिटवीन द इन्फेक्शन ऑफ द पैरासाइट, ठीक है ना। तो ये जो मध्य का जो समय है जो अंतराल है इन इंटरवल है बिटवीन द इन्फेक्शन ऑफ पैरासाइट यानी कि स्पोरोजोइट का शरीर के अंदर प्रवेश करना और स्पोरोजोइट की जो अवस्था है वो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर दिखाई देना तक किसी भी प्रकार का लक्षण उस व्यक्ति के अंदर नहीं होगा जब तक कि वह अवस्था उसके लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पहुंच जाए। जब लाल रक्त कणिकाओं में वो अवस्था पहुंचती है उसके पश्चात जो लक्षण है मलेरिया के वो दिखाई देने शुरू होते हैं। तो उस तक का जो बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है, इनक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, ठीक है ना। The intervals between the infection of the parasite and appearance of parasites in the red blood corpuscles, ठीक है ना। तो वो interval क्या कहलाता है, incubation period या prepatent period कहलाता है। Symptoms of the infection at the end of incubation period, incubation period के समाप्ति के पश्चात जो लक्षण है वो क्या दिखाई देते हैं, headache होना ता है, loss of appetite, ठीक है, limb pain, जितने भी जो पाँव के जो जोड़े हैं वहाँ या पाँव में दर्द, नोसिया, नाक में ना, उल्टी, वोमिटिंग, पसीना आना, फाइनली द डिसीज कैरेक्टराइज बाय द पैरोक्सिज्म विच इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। तो ये इसका लक्षण पैरोक्सिज्म हो जाता है जो कि जिसको 3 स्टेजेस है। पहला द कोल्ड स्टेज या चिल ठंड लगना, दूसरा द होट गर्म लगना और पसीना आना, तीसरा स्वीटिंग। तो पहले आपको ऐसा जाड़ा लगेगा, कम कंपी हो, उसके बाद आपको बुखार आएगा और बुखार के बाद क्या आता है, आपको पसीना होने लगता है। तो ये तीन अवस्थाएं होती है जिस तीनों अवस्थाओं को मिलाकर उसको पैरोक्सिज्म कहा गया है। पैरोक्सिज्म जिसको 3 कहे स्टेजेस है उसकी, पहले कोल्ड ठंड लगना, बुखार आना और पसीना छूटना या पसीना होना। तो उससे पूर्व तो जो नॉर्मल कंडीशन है सर्द होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, लिम्प पेन, नोसिया, वोमिटिंग और पसीना। तो इन द होट ऑफ फीवर स्टेज बहुत ज़्यादा बुखार होना और गर्मी होना, द टेम्परेचर जो कि आपके शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 98 फ़ारेनहाइट के आसपास वो
लगभग 106 डिग्री तक चला जाता है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ फीवर है 106 डिग्री फेरनहाइट होना। देन बेनाइन टर्शिन मलेरिया इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड द मोस्ट फेटल मलेरिया इज मेलिग्नेंट। तो ये अपन जब टर्शिन मलेरिया की बात आई थी वहाँ पर, बेनाइन मतलब ज़्यादा खतरनाक नहीं, रिक ठीक है ना, जो रिकवर हो सकता हो, नॉट फेटल मलेरिया। टर्शियन मतलब जो रिपीटेड होता हो, इस टाइप का हो। मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया कॉज बाय द इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम। तो दो टाइप का मलेरिया है, एक तो मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, एक है बेनाइन टर्शियन मलेरिया। तो नॉर्मली जो बेनाइन टर्शियन मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा होता है, और जबकि मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया है वो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के मलेरिया रोग कहलाते हैं प्लाज्मोडियम। तो द डैमेज ऑफ द मेलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय द ब्लॉकिंग ऑफ कैपिलरीज इन द हार्ट। तो मेलिग्नेंट मलेरिया को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, जबकि अपन मेलिग्नेंट मलेरिया को रिकवरेबल बात है। तो मेलिग्नेंट मलेरिया की वजह से क्या हो जाता है, जो कैपिलरीज है हार्ट की वो पूरी ब्लॉक हो जाती है, जाम लग जाता है उसमें, बंद हो जाती है। इंटेस्टाइन एंड ब्रेन एक्स्ट्रा इटसेल्फ की इंटेस्टाइन भी और दिमाग भी ब्लॉक हो जाता है एक्स्ट्रा बाय द इन्फेक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और जो लाल रक्त की कणिकाएं हैं वो भी संक्रमित हो जाती है। द अदर नेम्स ऑफ मेलिग्नेंट मलेरिया आर प्रेनिशियस, बहुत खतरनाक जिसको बोलते हैं प्रेनिशियस मलेरिया, या एस्टिवो ऑटम्नल मलेरिया, या ऑप्टेरियन या ट्रॉपिकल मलेरिया भी कहा जाता है। तो जो मेलिग्नेंट मलेरिया है उसके बहुत सारे दूसरे भी नाम है, ऑप्टेरियन ट्रॉपिकल मलेरिया या प्रेनिशियस मलेरिया या एस्टिवो ऑटम्नल मलेरिया भी कहा जाता है। द मलेरिया फीवर अकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, तो ये आपने जिक्र कर दिया था हिमोजोइन, जो कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है उसकी वजह से जो डेवलप्ड होता है हिमोजोइन पिगमेंट्स जब बनते हैं आरबीसी के अंदर, और स्किपनर टॉर्ट्स भी जो आरबीसी के साइटोप्लाज्म में डेवलप्ड होते हैं, तो ये हीमोजोइन ये टॉक्सिक स्रावित होता है। तो इस टॉक्सिसिटी को रिकवर करने के लिए, इसको कम करने के लिए बॉडी क्या करती है, होमोस्टेटिक यानी कि अपना टेम्परेचर को बराबर करने के लिए और इसको टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए अपना टेम्परेचर राइज करता है बॉडी इटसेल्फ। तो वो सेल्फ रेगुलेशन की वजह से अपने शरीर का तापमान बढ़ता है, जिसको अपन फीवर कहते हैं। विद द रैप्चर ऑफ द साइजोट इन द रेड ब्लड सेल्स द हीमोजोइन पिगमेंट्स इंड्यूस हाई फीवर एंड सीवरिंग। तो यही यहाँ पर साइजोट इन द, तो जो आरबीसी के अंदर जो साइजोट बनते हैं ठीक है ना, मोर्बिड अवस्था और उसके बाद जो साइजोट बनते हैं, साइजोट के बाद बेरोजोइट्स बनते हैं। तो साइजोट जब बनते हैं तो साइजोट के अंदर टॉक्सिक सबस्टेंस डेवलप होता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के आयरन से इसका डेवलपमेंट होता है। ये फीड करता है आरबीसी के ऊपर, आरबीसी को खाता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर रहकर उसके, तो उस के ब्रेकडाउन से आयरन के हीमोग्लोबिन के ये हीमोजोइन डेवलप होता है। ये हीमोजोइन ये एक्ट एज ए टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर अवर बॉडी, तो उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, और बॉडी राइजेस देयर टेम्परेचर एंड देस टेम्परेचर्स को, उस टेम्परेचर को अपन उसकी वजह से अपने शरीर के अंदर शरीर का तापमान बढ़ता है, और अपन को उसको अपन क्या कहते हैं, बुखार कहते हैं, और जिसकी वजह से सीवरिंग भी होता है, ठंड लगती है और पसीना आता है बाद में, ठीक है ना। तो ये जो रोग जनकता है इसकी मलेरिया की, क्या क्या रोग हो सकते हैं या क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं मलेरिया की वजह से। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन या प्रोलोफाइलेक्सिस, मतलब इसका रोकथाम ठीक है ना, इसे रोका कैसे जा सकता है, संक्रमण होने से कैसे बचा जा सकता है मलेरिया से, प्लाज्मोडियम से, जिससे कि अपन को मलेरिया नहीं होता। मलेरिया कैन बी कंट्रोल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, तो मलेरिया को इन इन कारणों से, इन इन वजह से अपन नियंत्रित करते हैं। पहला है प्रोफाइलैक्टिक यूज, सर्टन एंटी मलेरिया ड्रग्स दवाइयों का उपयोग करके, जैसे क्यूनेन है, पेलोट्रीन है, डाराप्रीम है, क्लोरोक्विन है, शुड टेक स्मॉल डोज रेगुलरली एज पर डॉक्टर्स एडवाइस, विच मे बी इफेक्टिव एज ए प्रिकॉशन बिफोर इन।
ये दवाइयां ली जा सकती है संक्रमण से पहले। यूज ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग, तो कुछ एंटी मलेरिया ड्रग्स हैं, जैसे द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स है क्यूनोन है, जो कि सबसे पहले आने वाली मलेरिया ड्रग है, मेपाक्साइन है, क्लोरोक्विन है, अमोडोक्विन अमो डियाक्विन है, प्रिमाक्विन है, पामाक्विन है, क्यूरापिरिम है, पालोड्रीन है, रेजोक्सिन है, प्रोग्यूनिल है, सफोंस है, विच मे बी यूज्ड टू सप्रेस द सिम्टम्स, और इनको उपयोग किया जा सकता है जिससे कि जो लक्षण है उनको दबाया जा सके। वेरियस स्टेजेस, अलग अलग स्टेज में। फॉर मेलिग्नेंट मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीवरम की वजह से होता है, जिसके लिए पामाक्यून और प्रीमाक्यून ड्रग शुड बी टेकन एज पर डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर की सलाह से पामाक्यून और प्रीमाक्यून, जिसको मेलिग्नेंट मलेरिया हो रखा है प्लाज्मोडियम फैल्सीवरम की वजह से, वो ये ड्रग्स डॉक्टर की एडवाइस पर या उसके प्रिस्क्रिप्शन पर ले सकता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बाइट्स ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के खाने से बचने के लिए कि आपको मच्छर नहीं खाए, तो मॉस्किटो नेट्स अपन यूज करें। इंसेक्टिसाइड्स ट्रीटेड नेट्स शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग द स्लीप नाइट, सोते हो आप, तब यदि आपके आसपास आपको लगते हैं मॉस्किटो है, तो जो नेट है मच्छरदानी है उसका उपयोग करें, इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करें, एंटी मॉस्किटो क्रीम्स लगाएं, जैसे बम्बर ऑयल है, ओडोमास है, माइलोन है, डाइबुटाइल पैथलेट है, DBTP कहा जाता है जिसको, मस्टर्ड ऑयल है, आल्सो इन्फेक्ट है, आल्सो इफेक्टिव, जो भी प्रभावी होते हैं, स्मेयर ऑन द पार्ट, जो भी आपके एक्सपोज पार्ट हैं जिनके ऊपर आपने कपड़े नहीं पहन रखे हो, और खुले हैं जो हाथ पांव होते हैं वहाँ पर ये लगाए जा सकते हैं, जैसे कि मच्छर नहीं काटे। वेरियस काइंड्स ऑफ मॉस्किटो कोयल्स, कुछ कोयल्स भी आती हैं कंटेनिंग, जिसके अंदर साइलोथ्रीन और पायरेथ्रम पाया जाता है, जो अपन कोयल यूज करते हैं बाजार से, मार्केट में मिलती है नॉर्मली, तो वो भी इफेक्टिव होती है, जिससे भी मच्छरों से काटने से बचा जा सकता है। कैम्फोर ऑयल ऑफ सिट्रोनिला एंड डाई मेथाइल थेलवेट आर यूज टू फॉर मॉस्किटो रिपेलेंट, जिससे क्या है कि मॉस्किटो दूर भागते हैं, कॉजिंग इंसेक्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम देयर सोर्सेज। तो ये जो ऑयल ऑफ सिट्रोनिला है, प्लांट से जिससे ऑयल मिलता है उसका, और कैम्फोर का, डाई मेथाइल थेलवेट से भी यूज करके मॉस्किटो के बाइट से बचा जा सकता है, क्योंकि इससे मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं। इलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग साइट्स ऑफ मॉस्किटो, तो जहाँ पर मॉस्किटो बैठते हैं और एग लाइंग करते हैं, अंडे देते हैं, तो उन साइटों से भी बचना चाहिए। द ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ द मॉस्किटो आर क्लियर वाटर दैट स्टेग्नेट्स आर फ्लो स्लोली मस्ट बी इलिमिनेटेड इन सच वेज, तो खुला पानी नहीं मिलना चाहिए, जो कि रुका हुआ पानी होता है, बहते हुए पानी में या जो के अंदर पानी के अंदर मूवमेंट होता है, तो जो एनाफिलीस मॉस्किटो है वो ज़्यादातर जो स्वच्छ जल है उसके ऊपर ही एग लेइंग करते हैं, और जो स्टिगनेट होता है, रुका हुआ पानी होता है, मूविंग पानी नहीं होता है, और उसके ऊपर ये ब्रीडिंग करते हैं, तो ऐसे पानी से भी बचा जाना चाहिए। या आपके आसपास इस प्रकार के कंटेनर या इस प्रकार का रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, जिससे कि मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं करे और अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं करे, अपनी वो आपके आसपास ज्यादा मच्छर पैदा नहीं हो। तो मार्शेस, नुलहास, स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, डिचेस मस्ट बी ड्रेनेड ऑफ, तो उनको खाली किया जाए। ड्रेन्स एंड सेप्टिक टैंक्स मस्ट बी क्लीन, जितने भी आप जो टैंक यूज देते हैं, टंकियां हैं, तो उनको समय समय पर साफ किया जाए, और उनके अंदर क्या इंसेक्टिसाइड्स यूज किया जाए। आल वाटर कंटेनिंग वेसल्स एंड टैंक्स मस्ट बी कवर्ड विथ ए लीड एंड क्लीन एटलीस्ट वंस ए वीक, जितने भी टैंक्स हैं उनको सप्ताह में एक बार साफ किया जाए, और उनको साफ रखा जाए, और उनको ढक के रखा जाए, जिससे कि उसके अंदर मच्छर घुस के अपने अंडे नहीं दे। डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वी अंडे, मान लो आपके आसपास ऐसे स्रोत है जहाँ पर मच्छरों ने अंडे दे दिए हैं,
तो उसके पश्चात जो उसके अंदर लार्वा एग लेइंग करता है, एक से लार्वा बनता है, लार्वा से पीपा बनता है, और पीपा से फिर एडल्ट इमर्ज होता है मॉस्किटो का। तो वो तो लार्वा और पीपा को अपन कैसे दी, उन्होंने एग लेइंग कर दिए, लार्वा बन गए, पीपा बन गए, तो अब लार्वा और पीपा को आप कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसको कैसे। तो लार्विसाइडल्स बहुत सारे आते हैं उनको किलिंग करने के लिए, स्प्रेइंग करते हैं केरोसिन जैसे ऑयल डाल दिया, क्रूड ऑयल डाल दिया, पेट्रोलियम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो पानी के ऊपर जहाँ पर ये ऐसे स्रोत है जहाँ पर एग लेइंग करते हैं और वहाँ लार्वा और पीपा बन गए, तो वहाँ पर केरोसिन ऑयल है, क्रूड ऑयल है, या पेट्रोलियम डालते हैं, जिसकी वजह से एक परत बन जाती है, लेयर बन जाता है एक फिल्म का वाटर के ऊपर। तो विच द लार्वा एंड पीपा डाई फॉर वांटिंग ऑफ ब्रीथिंग, तो उस वहाँ पर क्या हो जाता है, लार्वा और पीपा क्या है, उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो श्वसन नहीं कर पाते। द यूज ऑफ पनामा लार्विसाइड एंड द पेरिस ग्रीन इन वाटर इज हेल्पफुल टू किल द लार्वी ऑफ मॉस्किटो। तो ये पनामा लार्विसाइड और पेरिस ग्रीन को भी पानी में उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि जो लार्वी और जो मच्छर होते हैं वो लार्वी ऑफ मॉस्किटो, तो मच्छर के लार्वा भी उनकी उनकी भी उनकी डेथ हो जाती है, उनको मारा जा सकता है। किल द लार्वी ऑफ मॉस्किटो। सर्टन केमिकल्स सच एज डीटीटी बीएचसी आर यूज्ड एज ए लार्विसाइड्स विच आर स्प्रेड इन द वाटर विच किल्स द पीपाई एंड लार्वी ऑफ ए सफोकेशन। तो दूसरे केमिकल्स भी है, डीटीटी है, बीएचसी है, इनको भी यूज किया जा सकता है जिससे कि लार्वी को खत्म किया जा सके और पीपा को भी। जैविक कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो सब कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि भोजन के रूप में इनको ग्रहण करते हैं, तो उस प्रकार के जीवों के द्वारा जो नियंत्रण होता है उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाता है। जैसे सर्टन फिशेज हैं, जैसे गप्पी है, जिसको पोरिसेला रेटिकुलेटस है, या स्टेकल बैक फिशेज है, मिनोस है, ट्राउट है, गम्बुशिया है, गम्बुशिया फिनेसिस जिसको कहा जाता है, नॉर्थ स्पेसिस गोल्ड फिश है, जिसको कैरेसियस ऑरेटस या तिलापिया है, ये क्या करते हैं, ईट द लार्वे एंड पीपाई ऑफ मॉस्किटो। तो ये लार्वा और दूसरा पीपा होता है उसको भोजन के रूप में खा लेती है। द सेवरल टाइप ऑफ वायरस बैक्टीरिया, तो कुछ वायरस भी है, जैसे बैक्टीरिया है बेसिलस थ्रियोजेनेसिस, नोसेमा प्रोटोजोआ है, टू डू हार्म द वेक्टर ऑफ मलेरिया पैरासाइट हेल्प इन चेकिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन। तो ये क्या करते हैं, जो मलेरिया वेक्टर है उसको नुकसान पहुंचा जाते हैं और उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये भी लाभदायक है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट मॉस्किटो, तो पहले तो ब्रीडिंग होने नहीं दें, मच्छर काटने से बचें, फिर ब्रीडिंग हो गई है तो लार्वा और पीपा बन गए हैं तो उनको कैसे खत्म किया जा सकता है। अब लार्वा पीपा भी बन गए हैं और उसके वयस्क डेवलप हो गया है, तो उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए, एडल्ट मॉस्किटो को कैसे। तो स्प्रे ऑफ सम इंसेक्टिसाइड्स डीटीटी एंड बी एच सी, मेलाथियोन, डाइएल्ड्रिन, पायरेथ्रम, ये यूज किए जाते हैं। नेप्था, सल्फर एंड कैरेसोल एक्स्ट्रा आर यूज टू फ्यूमिगेट, जिसका फ्यूमिगेशन किया जाता है, विच किल द मॉस्किटोज, द गैस एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पेरिकल एंड किल्स द एडल्ट मॉस्किटो। तो स्पाइकल्स उनके छेद होते हैं, छिद्र होते हैं उनके शरीर के ऊपर, जहाँ से ये ऑक्सीजन ग्रहण क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया संपन्न करते हैं, तो उसके थ्रू जो ये उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से मॉस्किटो की डेथ होती है। यूज ऑफ केमो स्टेरॉइड्स ऑन द मेल मॉस्किटो कॉजिंग स्टेरिलिटी, तो कुछ ऐसे भी हैं जिसकी वजह से इनके अंदर स्टेरिलिटी आ जाती है, ये ब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं कुछ मॉस्किटो, जैसे कीमो स्टेरॉइड्स, जिससे मेल जो मॉस्किटो होता है वो स्टेलाइज हो जाता है। मिनिमाइज द रेप्रोडक्टिव एंड प्रो पोटेंशियल ऑफ मॉस्किटो, जिसको और इनकी वजह से क्या कहते हैं, उनके अंदर रेप्रोडक्शन की जो क्षमता है वो भी खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। द एप्लीकेशन ऑफ वैक्सीन फॉर द कंट्रोल ऑफ एडल्ट मॉस्किटो पॉपुलेशन ऑन द ट्रायल स्टेज, तो वैक्सीन है वो ट्रायल स्टेज पे चल रही होगी उस समय। द कंट्रोल ऑफ वैक्सीन ऑफ एडल्ट मॉस्किटो इज ऑन द ट्रायल स्टेज, तो मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन है उसका ट्रायल चल रहा है। अदर में मैंशनेड द वर्क ऑफ हॉलब्रुक एंड डिक्स
एंड अदर्स में भी मेंशन, दोनों ने को मेंशन किया है। अदर मलेरियल पैरासाइट्स, दूसरे मलेरिया के परजीवी है वो है, द मेंबर ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम आर रिकॉग्नाइज्ड एज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इन मैन। तो अपन ने जो मेलिग्नेंट और बेनाइन जो मलेरिया है उसके बारे में बात करी थी, जैसे मेलिग्नेंट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम फैलाता है, और जो बेनाइन टर्शियन मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा होता है। तो उसके अलावा भी दूसरे भी है, जैसे प्लाज्मोडियम ओवल है और प्लाज्मोडियम मलेरिया ही है। तो यहाँ पर टोटल कुल मिला के 4 स्पीसीज है मेनली, द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, देयर आर द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम एंड प्लाज्मोडियम ओवल। देखो से बेनाइन टर्शियन क्वार्टर मेलिग्नेंट टर्शियन एंड ओवल टर्शियन फीवर। तो शुरुआत में अपन ने तक बात की, मैंने कहा मलेरिया के अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे बेनाइन टर्शियन मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम ओवल के द्वारा फैलाया जाता है, फिर है क्वार्टन, ठीक है ना, वो मलेरिया किसके द्वारा फैलाया जाता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा। फिर है मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम के द्वारा फैलाया जाता है, फिर है प्लाज्मोडियम ओवल जो कि ओवल टर्शियन फीवर जो कि प्लाज्मोडियम ओवल के द्वारा फैलाया जाता है। इन बेनाइन टर्शियन आउटब्रेक ऑफ फीवर अकर्स एवरी एंड अदर अदर डे इन द क्वार्टर। तो बेनाइन जो टर्शियन मलेरिया है वो अकर्स एवरी अदर डे, मतलब एक दिन छोड़ के। इन क्वार्टर फीवर द आउटब्रेक सेट्स इन एवरी थर्ड डे, तो ये जो क्वार्टर फीवर है तो वो हर तीसरे दिन बुखार आता है। वाइल ना मेलिग्नेट इज इरेगुलर अकरिंग ऑलमोस्ट डेली, और जो मेलिग्नेट है वो कभी भी आ सकता है जो कि रेगुलर एंड इज ऑफ्टन फैटल जो कि खतरनाक होता है। चीफ डिफरेंसेस बिटवीन द 4 स्पीसीज आर टेबलेटेड इन द टेबल। तो आगे वाले जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर अपन टेबल देखते हैं जिसमें अंदर इनको डिफरेंशिएट किया गया है। तो इस टेबल के अंदर द पीरियड ऑफ इनक्यूबेशन, ठीक है ना, जहाँ मलेरिया के लक्षण का दिखाई देना और स्पोरोजोइट से मनुष्य का संक्रमित होना, उसके बीच का जो इंटरवल पीरियड है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का 11 से 14 दिन का होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का 18 से 21 दिन का होता है, प्लाज्मोडियम ओवल 9 दिन का, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम का 9 से 12 दिन, ये एवरेज टाइम है। पीरियड ऑफ साइजोगोनी, जो एसेक्सुअल जीवन काल है प्लाज्मोडियम का वो 48 ओवर्स होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का 72 ओवर्स होता है मलेरिया का, और प्लाज्मोडियम मलेरिया का प्लाज्मोडियम ओवल का होता है 48 ओवर्स, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम का होता है 24 to 48 ओवर्स। नंबर ऑफ मेरोजोइट्स जो बनते हैं आरबीसी के अंदर, तो वो 12 से 24, 6 से 12, 6 से 12, 18 से 24। अरेंजमेंट ऑफ मेरोजोइट्स इन 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 टू रिंग्स, रोसेट लाइक, इरेगुलर इरेगुलर। तो अपने बीच में जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ अपने ये देखा था कि स्टिंगनेट रिंग है जो वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम के, तो यहाँ अपन को इन दोनों के अंदर देखने को नहीं मिलती, यहाँ पर रिंग लाइक है, यहाँ ये रोजेट लाइक है। द शेप ऑफ केमेटोसाइट्स, राउंड राउंड ओवल और क्रिसेंट, तो गोल गोल अंडाकार और क्रिसेंट शेप होता है। पिगमेंट्स येलोविश ब्राउन, डार्क ब्राउन, डार्क येलोविश विश ब्राउन और डार्क ब्राउन, तो ये जो वर्णक है इसके अंदर बनते हैं तो वो इस आकार के होते हैं। तो इसी के साथ ही प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, प्लाज्मोडियम से होने वाले रोग, प्लाज्मोडियम की प्रजातियां, प्लाज्मोडियम के पोषक, प्राथमिक पोषक और द्वितीयक पोषक, और इसका अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन किसमें होता है, ठीक है ना, और मलेरिया किस प्रकार का होता है और मलेरिया से कैसे बचा जा सकता है। तो इसी के साथ ही जो प्लाज्मोडियम का जो टॉपिक है वो भी समाप्त होता है, और जितने भी परजीवी प्रोटोजोआ है वो आपके सिलेबस में 5 है, जिनको अपन ने 1 बाई 1 पढ़ लिया है। एक तो एंटामीबा एस्ट्रोलेटिका, प्लाज्मोडियम, लेसमेनिया डोनोवेनी, और टिप्नोसेमा गैम्बियस और ट्राइकोमोनास वेजिनेंसिस, ये 5 स्पीसीज है जो आपके सिलेबस के अंदर है जो कि परजीवी प्रोटोजोआ है। थैंक यू। इसी के साथ आपका
जो प्रोटोजोआ फाइलम है वो भी पूरा कवर हो गया है। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू जो पोरीफेरा है उसके जो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। पोरीफेरा क्लासिफिकेशन आपके कंप्लीट हो चुका था शुरुआत में ही। थैंक यू।